यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हैं यानी कि एथिकल हैकर हैं, पेंट्रेशन टेस्टर्स हैं, तो आप बग बंटी के जरिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिवॉर्ड्स के रूप में काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इक्वल परेरा जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, उन्हें मात्र 10 साल की जो उनकी एज थी बहुत कम थी, एज अ स्कूल गोइंग वो स्टूडेंट थे, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है बर्फ सूट, तो बर्फ सूट के बारे में डीपली एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में करूँगा, बट कई बार शायद मैंने बर्फ सूट के बारे में बताया भी है, तो बर्फ सूट की मदद से गूगल की एक जो पेज था, ऐप्स वाला जो पेज था, उसे रिडायरेक्ट कर दिया किसी दूसरे पेज पर, तो उसके अंदर की ये जो बग थी उसे उन्होंने फाइंड आउट किया, जिसके लिए गूगल ने उन्हें $10,000 का रिवॉर्ड दिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे उन्होंने किया कैसे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने ये किया HTTP header injection की मदद से। अब HTTP header injection क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट के कई वीडियोज़ में आपको बताया है, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके अंदर जो मेनली टॉपमोस्ट फाइल्स होती है वो header फाइल्स होती है, और उसी के अंदर उन्होंने किसी दूसरी साइट को इंजेक्ट किया। तो इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि उन्होंने इस काम को किस तरह से अंजाम दिया था, और ये हम करेंगे एक टेस्टिंग वेबसाइट की मदद से। जैसा कि फ्रेंड्स ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसका जो यूज़ है, प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट्स होती हैं काफ़ी सारी, उनकी मदद से आप इसे कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली बिना परमिशन के किसी भी साइट पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो वो एक गलत वर्क होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसके लिए ना क्रोम में सेटिंग्स करनी होंगी। जिन लोगों को बग सूट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उन्हें दिक्कतें ना है, इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ कि आपको क्या सेटिंग्स करनी होंगी। तो सबसे पहले हम क्रोम में सेटिंग्स कर देते हैं। यहाँ आपको जाना है सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है सिस्टम। सिस्टम में आपको करना है ओपन प्रॉक्सी सेटिंग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लैन सेटिंग्स में जाना है, और लैन सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन, और उसके बाद आप एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पे 127.0.1, यानी कि लोकल होस्ट का हमारा एड्रेस है, पोर्ट 8080 है, इसे मैं ओके कर देता हूँ, और उसके बाद इसे ओके। तो ये आपको अपने ब्राउज़र के अंदर सेटिंग्स करनी है। अगर आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो फायरफॉक्स के अंदर भी आपको यही सेटिंग अप्लाई करनी होगी। अब हम बात करते हैं वेब सूट के अंदर हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, वेब सूट जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर चलाएंगे, उसके लिए आपको जाना है प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी पे जाने के बाद आपको जाना होगा ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाने के बाद आपको अगर ये एड्रेस नहीं आ रहा है तो ऐड करना है, और अगर आ रहा है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है अपने आप आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके आपके पास वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनकी मदद से आप इसे ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे बदल सकें। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यही सेटिंग्स करनी है, और इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉक्सी पे जाना है दोबारा, इंटरसेप्ट में जाके आपको इंटरसेप्ट को करना है ऑन। मोस्टली अगर ये ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑन नहीं है तो आप इसे ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह ये जो बर्फ सूट है, इसकी मदद से बहुत सारे हैकर्स यूज़र नेम, पासवर्ड्स, कुकीज़ वगैरह भी स्टील कर लेते हैं, यूज़र नेम आईडी, पासवर्ड्स का भी पता लगा लेते हैं, यानी कि बहुत सारी सेशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्कैनिंग है, स्पाइडर है, रिपीटर है, सीक्वेंस, डिकोडर, कंपैरिजर, एक्सटेंडर, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक पेंट्रेशन टेस्टर के लिए भी और एक हैकर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसे किसी भी वेबसाइट की मदद से चलाएंगे, मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे लाइक हम इन्हें ऑन रखते हैं। एक नेटवर्क के अंदर अगर किसी भी हैकर ने अटैक करने से ऑन रखा हुआ होगा तो वो क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इसे यहाँ पे आप देखिए टेस्ट ASP वाली जो वल्नरेबिलिटी की वेबसाइट है क्यूनिटिक्स की, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही है, डेमो वगैरह देने के लिए, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद मैं इसे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जो भी वर्क करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ HTTP हिस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये दोनों चीज़ें, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया है तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। उसके बाद मैं इसे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक और वेबसाइट, एक और नंबर है वो ओपन हो गया है, होस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी यूज़र नेम डालता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड मैंने अप्लाई किया, और मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी वर्क करते जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही वेबसाइट है, कोई भी एनी वन वेबसाइट, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन होनी चाहिए आपके पास। जो भी इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे उसके अंदर,
वो सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें स्टोर्ड होती हुई चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि बब सूट की मदद से ये क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे दोबारा से ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारे मेथड्स हैं वो हमें शो कर रहा है। जैसे ही मैंने किसी एक पे भी क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं रॉ, और हेडर्स में अगर हम जाएंगे तो हेडर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं होस्ट का जो नेम है वो है testasp.vulnerabilitywap.com, और उसके बाद यूज़र एजेंट है यानी कि इसके अंदर जो मेन एजेंट यूज़ किया गया है वो कौन सा है, अपग्रेड इनसिक्योर्स एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट के बारे में ये हमें बता रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स रेफरर कौन है, मतलब किसकी तरफ से ये रेफर हुआ है। आपने देखा होगा मैंने गूगल की वजह से इसे ओपन किया था, गूगल पे सर्च किया उसके बाद यहाँ ये जो साइट है ये ओपन हुई, तो इसलिए इसमें रेफरल में आ रहा है गूगल का नाम। तो फ्रेंड्स ये हमें HTTP हेडर्स की जानकारी दे रहा है। रॉ में हमें हेडर और HTTP जो रिक्वेस्ट हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। गेट पोस्ट क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया। इन सब के अलावा फ्रेंड्स ये है होस्ट। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इक्वल परेरा थे उन्होंने क्या किया, इक्वल परेरा ने ये जो कुकीज़ थी उसकी, मतलब वो जो पेज की इन्फॉर्मेशन थी उस पेज की इन्फॉर्मेशन को रिडायरेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स रिडायरेक्ट करने का मतलब है किसी दूसरी साइट पे उन्होंने इसे रिडायरेक्ट कर दिया। तो जो होस्ट था जैसे कि मैंने आपको बताया हेडर होस्ट इंजेक्शन, हेडर होस्ट इंजेक्शन का मतलब है कि जो हेडर जो होस्ट है उसको बदल देना। उसके बाद उसके साथ पूरा सेशन तो उसे मिल ही जाता है। आप देखेंगे जो जो काम हो रहा था उसे पूरा सेशन मिल गया। अब इस सेशन की मदद से उसके बाद क्या हुआ, इसमें इस सेशन को ही कोई भी अटैकर या हैकर भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी सेशन को उन्होंने कर दिया सेंड टू रिपीटर। तो फ्रेंड्स रिपीटर जो है इस तरह की जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें रिपीट करता है, आपको रिजल्ट्स वगैरह शो करने का काम करता है। तो मैं इसे सेंड टू रिपीटर कर देता हूँ, और फ्रेंड्स आप देखेंगे रिपीटर में ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो कुकी है ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। और HTTP के बारे में मैंने आपको बताया कि कुकीज़ और उसके मेथड हैं गेट पोस्ट, ये सारी चीज़ें होस्ट हेडर्स ये सारी चीज़ें ही HTTP को क्रिएट करती हैं। तो यहाँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उसके बाद हम इसे कर देते हैं गो। तो फ्रेंड्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसका जो रेस्पॉन्स है आप साथ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो पेज का रेस्पॉन्स आप देखिए ये हमें शो कर रहा है 200 ओके, यानी कि पेज जो है एकदम वर्किंग कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या था कि अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। मैंने इसे क्या किया, यहाँ से आपको करना होगा शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपको किसी भी नई टैब में जाके इसे पेस्ट करके ओपन करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे वही सेम जो सेशन था वही सेशन ओपन हो गया डायरेक्टली। ये पहला पेज नहीं है, ये वो पेज था जिसका सेशन हमने कॉपी किया, तो सेम वही जो सेशन पेज था वो ओपन हो गया। अब जो अटैकर है वो क्या करेगा, जो अटैकर्स होते हैं इसका जो हेडर होस्ट है उस होस्ट नेम को चेंज कर देगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जब भी कोई पर्सन इस साइट पर जाने की कोशिश करेगा तो वो जो एड्रेस है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी हैकर ने यहाँ पे एड्रेस पुट किया है उस पे जाएगा, लेकिन कुकीज़ वगैरह और जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी साइट की है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हेडर होस्ट इंजेक्शन का जो वर्क है वो काम हो पाता है, और यही वर्क उन्होंने किया था जिसकी मदद से गूगल में गूगल का जो एक मेन पेज था उसके अंदर उन्होंने बग को फाइंड आउट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया www.mastersinethicalhacking.com, और उसके बाद अब हम इसे दोबारा से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ये। अब मैं इसे गो कर देता हूँ। गो करने के बाद देखेंगे आप यहाँ हमें थोड़ी सी एरर्स आ रही हैं, 404 नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ों को और कुकीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद सेम वही चीज़ थी, आपको उसे करना है कॉपी, सो रेस्पॉन्स टू इन ब्राउज़र कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे किसी भी नई साइट पे जाके, और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो हमें इन्फॉर्मेशंस दिखा रहा है, बिकॉज अभी तक हमने इसे सर्वर से कनेक्टेड नहीं किया है, क्योंकि एक वेबसाइट होनी चाहिए, इस नाम की कोई वेबसाइट नहीं है। दूसरी बात सर्वर से भी कनेक्शन नहीं है, और 404 क्यों दिखाता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 4 की जो एरर है 5x वाली जो एरर्स हैं वो क्यों आती है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ कॉल्ड होस्ट हेडर होस्ट इंजेक्शन। तो HTTP का जो वर्क है, कुकीज़ का जो वर्क है, और कैसे रिडायरेक्ट करते हैं कोई भी हैकर उस चीज़ को, बग बंटी कैसे किया जाता है, तो उनके बारे में आप लोगों को शायद थोड़ा आइडिया लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें, इससे रिलेटेड अभी और भी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।